टेक टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप IRCTC से अपने टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फोन में या सिस्टम में वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, और उसके एड्रेस बार में जाकर आपको टाइप करना होगा IRCTC.co.in और इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। दोस्तों, IRCTC की वेबसाइट ओपन होते ही एक अलर्ट बॉक्स आएगा, इसमें इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे ओके का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, जो भी टिकट आपने बुक की है उसका प्रिंट निकालने के लिए आपको आपके IRCTC के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। ऊपर मेन्यू है जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर कर दीजिए। यूजर नेम एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए और यहाँ कैप्चा एंटर कर दीजिए और नीचे साइन इन का बटन है, लॉग इन करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, सक्सेसफुल लॉग इन होने के बाद आपको मेन्यू में माई अकाउंट ऑप्शन पर जाना होगा। माई अकाउंट ऑप्शन पर जाते ही आपको एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें दूसरा ऑप्शन है माई ट्रांजेक्शन का। इस पर जैसे ही आप माउस का कर्सर ले जाएंगे एक मेन्यू और ओपन हो जाएगा जिसमें पहला ऑप्शन है बुक टिकट हिस्ट्री का। इस पर क्लिक कर ओपन कर लीजिए बुक टिकट हिस्ट्री के पेज को। दोस्तों, यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, बुक टिकट हिस्ट्री को IRCTC ने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, ऑल जर्नीज, अपकमिंग, पास जर्नीज में। दोस्तों, टिकट को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से क्लिक करने पर अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करके टिकट को ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करिए तो बुक किया हुआ टिकट नए विंडो में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके जर्नी से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और प्रिंट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए और सबसे आखिरी में आपको मिलेगा प्रिंट बटन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए प्रिंट करने के लिए टिकट को। एक विंडो और ओपन हो जाएगा। दोस्तों, विंडो ओपन होते ही आपको लेफ्ट साइड में प्रीव्यू दिखाएगा और राइट साइड में प्रिंट के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कितने पेजेस हैं, डेस्टिनेशन क्या है। देखिए, यहाँ से आप सेव एस PDF भी कर सकते हैं और सेव करने के लिए नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी टिकट जो है PDF जैसे सेव हो जाएगी और आपके सिस्टम से प्रिंटर अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पर प्रिंटर भी लिस्ट करने लगेगा। उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से देखिए कितने पेजेस आप प्रिंट करना है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। लेआउट कैसा रखना है, पोर्ट्रेट रखना, लैंडस्केप रखना, यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर ऑप्शन से आपको कैसा प्रिंट आउट चाहिए, कलर में प्रिंट आउट चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स को करने के बाद नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, अपने टिकट को प्रिंट करने के लिए नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह आप IRCTC से अपने बुक किए हुए टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह आप अपने बुक किए हुए टिकट का प्रिंट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।